हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, समर सीजन स्टार्ट हो चुका है। तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए हम अपने डाइट में फ्रूट्स, जूस एंड आइसक्रीम इंक्लूड करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम अपने आप को कूल और चिल्ड रख सकें। बट फ्रेंड्स, हम अपने स्किन को भूल जाते हैं। तेज़ धूप की वजह से हमें सन टैन, सनबर्न जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो आज मैं आपके लिए एक सिंपल सा हैक लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको आइस के कुछ बेसिक बेनिफिट्स बताऊँगी, साथ साथ अपने घर में अवेलेबल बेसिक चीज़ों से आइस क्यूब भी प्रिपेयर करके दिखाऊंगे। फ्रेंड्स, अभी के टाइम में आइस हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये हमारे आइस के पफिनेस को रिड्यूस करता है, साथ साथ ये हमारे ओपन पोर्स के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। ये सनबर्न को हील करता है, साथ साथ ये हमारे स्किन पर एक इंस्टेंट ग्लो भी देता है। तो चलिए फटाफट इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है ग्रीन टी, वाटरमेलन, एलोवेरा एंड लेमन। यहाँ पे हम सबसे पहले वाटरमेलन को ग्रेट करके इसका जूस निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे पीस करके मिक्सर जार में इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे मैंने एलोवेरा लिया है। हम इसके साइड के पार्ट्स को नाइफ़ की हेल्प से कट कर लेंगे, फिर हम इसे बीच से स्लेट कर लेंगे और इसे ग्रेटर की हेल्प से हम इसका भी पल्प निकाल लेंगे। आप इसको थोड़ा केयरफुली करें क्योंकि एलोवेरा थोड़ा स्लिपरी होता है, तो आप अपने हाथों को हार्म ना करें। अब हम ग्रीन टी प्रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चूल्हे पे एक कप के अराउंड पानी बॉईल होने को रखा है। ये थोड़ा गर्म हो जाए फिर आप इसमें ग्रीन टी ऐड कर लें। इसे अच्छे से बॉईल होने दें ताकि ग्रीन टी के जो भी एक्सट्रैक्ट्स हैं वो पानी में अच्छे से आ जाए। एक से दो मिनट तक इसे अच्छे से बॉईल कर लें, फिर आप चूल्हे को बंद कर लें। ठंडा होने के बाद आप चाहे तो इसे छान लें या फिर आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके फेस के लिए एक स्क्रब का काम करेगा। अब हमने यहाँ पे जो लेमन लिया है उसको स्क्वीज़ कर लेंगे और इसमें हम रोज़ वाटर ऐड कर लेंगे ताकि ये क्लींजर के साथ साथ हमारे स्किन के लिए टोनर का भी काम करेगा। चलिए फटाफट से मैं अपना आइसक्रीम प्रिपेयर कर लेती हूँ। फर्स्ट रॉ में मैंने यहाँ पे वाटरमेलन जूस, सेकेंड यहाँ पे मैंने एलोवेरा जूस डाल लिया। अब मैं इसमें लेमन स्क्वीज़ कर लूँगी, इसके साथ साथ मैं इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर दूँगी। सबसे लास्ट रॉ में मैं ग्रीन टी फिल कर लूँगी। बस बड़ा आइस ट्रे हो या सेम ऐसा एक और आइस ट्रे हो तो आप उसमें कुकम्बर आइस क्यूब, पटैटो आइस क्यूब या आप चाहे तो टमाटो आइस क्यूब भी बना सकते हैं। आप जब टमाटो का जूस निकालें आप उसमें अ पिंच ऑफ टर्मरिक भी ऐड कर लें, ये आपके स्किन पे एक अलग सा ग्लो देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस ट्रे को फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। 4 से 5 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इन आइस क्यूब्स को मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ कर सकते हो। ये आपके स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इनफैक्ट ये आपके स्किन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।